जिस लड़का के पास अभी हम आ रहे हैं तो उसका गांव जा रहे हैं अभी हम। फिर से हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, लेकिन आज मार्केटिंग करने नहीं आए हैं। अपन लोग जा रहे हैं कहीं दूर आज घूमने के लिए, वादियों के बीच में। एक्चुअली घूमने नहीं, काम से जा रहे हैं। मार्केट से निकल चुके हैं और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये रोड है डाल्टनगंज जाने वाली। लेकिन अपने को यहाँ से करीब 30 से 40 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे अपना काम है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, जो हार दिस सोनिक, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एसआरएम ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना, और हम भी बढ़िया हैं। और अपन लोग अभी जा रहे हैं गांव के साइड में, तो क्या काम से जा रहे हैं बताते हैं, चलते चलते। तो अपन लोग जा रहे हैं शूट में, तो एक गाना का शूटिंग है, तो आज शाम में भी शूट होने वाली है क्योंकि नाइट का भी दिखाना है, और कल दिन में शूटिंग चलेगी। देखते हैं कल कम्प्लीट हो पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन अपना कोशिश पूरा रहेगा कि काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। तो भाई वहाँ जाने का मकसद है कि सिंगर जो है हमारा, तो वही का है जो गाना गाया है, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। और वो लोकेशन देख रखा है जहाँ पर शूटिंग करनी है, तो हम बस निकल पड़े हैं। और बाकी का और बंदे जाएंगे जो ग्रुप में डांस करने वाले हैं, तो सारे लोग पहुँच जाएंगे आज शाम में ही वहाँ पर। तो अभी हम दो जन निकल गए हैं और बाकी के पीछे से आएंगे, हमें रास्ता में ज्वाइन करेंगे, और कहाँ पर ज्वाइन करेंगे हमें भी नहीं पता है। तो बस चलते हैं, बाकी का आगे देखते हैं। और अभी मौसम एकदम नॉर्मल है, धूप भी पड़ रही है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अपने को क्या देखी, इमली, यहाँ भी इमली है और पूरा यहाँ देखो इमली का पेड़ ही पेड़ है। तो इमली तोड़ते हैं, खाने का मन कर रहा है, खट्टा। ऐसा नीचे में है यार, आराम से तोड़ ले रहा तुम तो। नीचे में है, भेजो ना इसको। इतनी क्या बात है, क्या बात, देख रहे हो इमली की, इसमें लंबा लंबा है, यहाँ भी है बे, ये देखो। तो जब वापसी आएंगे ना तो ज्यादा तोड़ के जाएंगे, क्या बोलता है? वापस आएंगे तो ना तोड़ के। दोनों किनारे में इमली के पेड़ और बहुत ज्यादा फला हुआ है, और यहाँ पे जर्की का फूल पीली पीली कलर की। आज रोड पूरा खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि आज दिवाली भी है, लोग घर में एंजॉय कर रहे होंगे। और ये देखो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो पहाड़ी के पार जाना है हमें। पहले कभी नहीं गए हैं उस गांव में, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, चल के देखते हैं कैसा है वो गांव, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिर बोखा नदी, और वहां पर पिकनिक मना रहा है क्या? वैसे ही लग रहा है पार्टी क्या था? नदी में पार्टी, मतलब दिवाली के बाद में लोग जाते हैं वनभोज के लिए, मतलब पिकनिक के लिए, जिसको लोकल में बोलते हैं दशा मसा। अभी जा रहे बोखा पहुँचने वाले हैं, सामने में है। अभी हम सुगा बांध के एरिया में पहुंच चुके हैं, और जो बंदे जिसके पास हम जा रहे हैं तो वे लोग सुगा बांध के पास आया हुआ है। तो कॉल आया और बोला है कि यहीं पे आ जाना थोड़ा सा, तो फिर जा कर देखते हैं वहाँ पे क्या कर रहा है। शायद
मेरे ख्याल से वे लोग फ़ोटो शूट करने आया होगा। तो चल कर देखते हैं और मिलते हैं उन लोग से, उसके बाद साथ में जाएंगे उनका गांव, क्योंकि यार गांव का रास्ता नहीं देखे हैं तो वही ले कर जाएगा हमें। तो थोड़ा सा घुसते हैं अंदर के साइड में और देखते हैं, वे लोग अंदर में ही है कि निकल गया बाहर में, क्योंकि इस एरिया में अभी नेटवर्क नहीं दिखा रही है तो कॉल तो कर नहीं सकते हैं। फाइनली भी पहुँचे हैं यहाँ पर सुगा बांध के पास में, और वो बंदा लोग किधर है, क्या था बाइक वगैरह तो नहीं दिख रहा कौन सा, ये कौन सा बाइक रख, नीचे भी बाइक है, किधर गया रे बंद भाई, हल्ला करो ना, हल्ला करो, कहाँ से गया, कौन कौन होगा, किधर होगा। ये देखो यहाँ के नज़ारे, अभी सनसेट होने वाले हैं वहाँ पे, पहाड़ के पीछे में सूरज छुप जाएगी थोड़ी देर के बाद में। तो ये रहे सुगा बांध, और यार यहाँ पे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, बार बार एक ही चीज़ दिखाने का मन नहीं करता है, तो यहाँ ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। अगर यहाँ की वीडियो देखनी है आपको तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हो। तो बस यहाँ से इसको ढूंढते हैं यार, उसके बाद निकलेंगे, या फिर वे लोग, हो सकता है कि वे लोग निकल गए होंगे यहाँ से, हम थोड़े आने में लेट हो गए, तो चलते हैं सीधे उसके घर के साइड में। यहाँ पे पोपट हो गई, उन्होंने यहाँ पे बुलाया था यार, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने लोकेशन बताया था कि स्टेडियम के पास आ जाना है, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे नहीं था, तो फिर वापसी निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं स्टेडियम के पास, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वापसी घर। जिसने बुलाया था और लोकेशन दिया था यहाँ स्टेडियम, तो राइट ए वाले स्टेडियम है सामने में, तो भाई यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन बंदा अभी तक पहुँच नहीं रहा है यहाँ पे, तो फ़ोन आया था तभी, तो कुछ नहीं हुआ यार, कहाँ आएगा नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, नेटवर्क तो है नहीं मोबाइल में, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, अगर नहीं आया तो भाई यहाँ से निकल जाएंगे सीधे घर की तरफ। इस लड़का के पास अभी हम आ रहे हैं, तो उसका गांव जा रहे हैं अभी हम, उसका गाँव जा रहे हैं, शायद बंदा काम फंस गया होगा तो नहीं आया होगा लेने के लिए, तो जाके के बाद देखते हैं आदमी लोग से पूछेंगे उसका घर कहाँ पर है, तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो भाई सूट करना उसको जल्दी से जल्दी कल परसों में, और अगर हम वापस चले गए तो फिर आएंगे नहीं अभी दोबारा में, तो चलो देखते हैं एक बार ट्राई करके, अगर मिला लड़का तो ठीक है, नहीं तो भाई वापस घर पर जाना ही पड़ेगा। मायापुरी है क्या? हाँ टोनी जानता है, टोनी जानता है, टोनी बोलते हैं, तो उन लोग का घर कहाँ है, किधर है? उधर आगे अखड़ा तरफ जाइएगा ना, हाँ पूछिएगा किसी से तो बता देगा। और यही रही मायापुर गाँव,